नमस्कार, म्यूजिकल हेरिटेज में आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नए खास मेहमान को। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो खुद एक मशहूर कथक डांसर हैं और साथ ही साथ अब वो कोरियोग्राफी में बहुत कुछ नया करने वाली हैं। शर्मिष्ठा, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मुझे जो आपके बारे में फीडबैक मिला, उस बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने जिससे भी आपके बारे में बात की, सबने कहा कि वो बहुत एक थिंकिंग आर्टिस्ट हैं। तो दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, एक तो ये कि थिंकिंग आर्टिस्ट होता क्या है, और इसके लिए क्या कोई अलग से एफर्ट करना पड़ता है? किस तरीके से देखती हैं आपको जब ये पदवी कोई देता है या जब कोई आपको इस तरह से कहता है कि वो एक थिंकिंग आर्टिस्ट हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सारे आर्टिस्ट थिंकिंग आर्टिस्ट ही होते हैं, क्योंकि विदाउट थॉट तो किसी भी कला के पीछे एक बहुत परिश्रम होता है, और उसके साथ साथ दिमाग भी चाहिए, दिल का साथ साथ दिमाग भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोच के अपना कला को नहीं अपनाओगे और लोगों का सामने पेश नहीं कर पाओगे, तो फिर वो कला का अपना महत्व खो जाएगी। तो इसलिए सारे आर्टिस्ट थिंकिंग आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन मैं जो कोशिश करती हूँ कि अपना कला के माध्यम से मेरी जो विचारधाराएँ हैं, मेरे लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बिकॉज़ देखिए, कलाकार को अपना पर्सनालिटी इट कम्स अक्रॉस थ्रू हीज़ और हर आर्ट, और क्लासिकल आर्ट भी हो, उसके भी अपना एक जो कंटेम्पररी सोशियो कल्चरल जो सेटअप हैं, यू नो, इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट दैट। तो अलग अलग तरह की परिकल्पनाएं होते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी भी मुद्दे को नज़र रखते हुए और आज की ज़माने को देखते हुए किस तरह से मेरे प्रेजेंटेशन किया जाए, तो शायद अलग अलग थीम्स पर अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशन, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स, तो शायद उसी हिसाब से थिंकिंग आर्टिस्ट बोलते होंगे। शर्मिष्ठा, आपके लिए कथक का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप दरअसल क्या है कथक का आपके लिए? कोई भी कला, इट्स अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो कथक भी, जैसे हमारे पूरा जितना भी डांस संस्कृति हैं, भारतीय नृत्य कला की संस्कृति हैं, वो सारे टेम्पल्स के माध्यम से वहाँ से शुरू हुआ। कथक का खासियत ये है कि वो आफ्टर द टेम्पल्स, यू नो, इट ऑल्सो मूव टू द मुगल कोर्ट्स, एंड नाउ फ्रॉम द कोर्ट्स इट हैज़ नाउ मूव टू द प्रोसिनियम थिएटर। तो कथक एक ऐसे स्टाइल हैं जिसमें आपको हिंदू और इस्लामिक दोनों कल्चर की एक सिंथेसिस नज़र आएगी। तो मेरे लिए कथक की ये एक बहुत ही खास बात है। कथक में जो अष्ट नायिकाओं की भूमिका है, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार हैं आपके? इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, खाली कथक में ही नहीं, ये तो हमारा नाट्यशास्त्र में ही है और बाकी सारे डांस स्टाइल में भी इसको अपनाते हैं। लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर, मतलब मैं स्टाइल नहीं बोलूँगी, जो सोच हैं, मैं ज़्यादातर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पर काम करती हूँ, और अभिनय बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन मैं खुद ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों के थ्रू अपना जो भी है अपना मतलब पर्टिकुलर अपना प्रेजेंटेशन करती हूँ। शर्मिष्ठा, कलाओं के साथ आमतौर पर ये माना जाता है कि वो मनोरंजन का साधन रही हैं, कथा कहने वाला, यानी एक मनोरंजन, इसलिए कथक को मनोरंजन से जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि अब वो जो कथक या किसी भी कला के साथ जो सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम माना जाता था, अब वो सीमा जो है लांघ चुकी हैं ये कलाएं, उससे आगे निकल चुकी हैं? देखिए, कोई भी कला खाली एक मनोरंजन नहीं होते हैं, क्योंकि एज आई वाज टेलिंग यू दैट एवरी आर्ट, इसको मैं अंग्रेज़ी में बोल रही हूँ क्योंकि इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई भी आर्ट, यू नो, इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इट्स सोशियो कल्चरल नुआंसेंस ऑफ दिस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो हमारा कला भी जो है, यू नो, इट्स पिछले 5000 साल से ये चले आ रहे हैं, और हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि 5000 साल पूरा एग्जैक्टली उसका क्या रूप था, बट जो भी हो थोड़ा चेंज हुआ होगा, और अभी भी इट इज़ स्टिल सर्वाइविंग, यू नो, उनका रूट्स तो वही हैं, लेकिन इसके कारण क्या हैं? बिकॉज इसमें वो डायनामिज्म है कि आई मीन इट कुड सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर ये खाली एंटरटेनमेंट होता तो इसमें ये स्ट्रेंथ होती नहीं, ये पता नहीं कब का गायब हो जाती। इन एनी केस, देखिए, क्लासिकल डांस या म्यूज़िक या कोई भी कला, यू नो, प्राइमरीली, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिशनर, इट इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल, इट्स लाइक वर्शिप। सो उसको खाली एंटरटेन बोलना उसकी तौहीन करना है। और कोई भी कला, जैसे इसको रेलिवेंट बनाने के लिए आज के ज़माने में आपका
दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, यू नो, आपका सोच विचार उस कला के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो प्राइमरीली एन आर्टिस्ट इज़ क्रिएटिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यू नो, उसमें आर्टिस्ट लोगों का अगर मनोरंजन ही उनका प्रधान उद्देश्य होता है तो सभी लोग बॉलीवुड डांस ही करते, बॉलीवुड म्यूजिक ही करते, क्लासिकल की तरफ नहीं आते कोई। ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था लेकिन मैं पूछ आपसे बाद में रहा हूँ शर्मिष्ठा, कि पारिवारिक जो बैकग्राउंड है आपका, जो पृष्ठभूमि है परिवार की, राजनीतिक परिवार से आती हैं आप एक, लेकिन उसमें एक कलाकार के तौर पर करियर को चुनना, आगे बढ़ना कितना अलग था? देखिए, एक तो बंगाली फैमिलीज में ये एक ट्रेडिशन है कि बच्चों को बचपन से कोई गाना या डांस या रेसिटेशन या प्ले कुछ ना कुछ सिखाया जाए, सो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। बट ये ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि कुछ सिखाया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशनली ले। तो मैंने एक पॉइंट आया आफ्टर माई एकेडमिक, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी, उसके बाद एक था और डांस भी साथ साथ करते आ रही थी, सो देयर वाज आई हैड टू मेक अ चॉइस, यू नो, कि इसको प्रोफेशनली लूँ या एकेडमिक्स में जाऊँ या दूसरा कुछ करूँ। एंड माई मदर हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्टर, यू नो, मेरी माँ जो हैं वो रविंद्र संगीत गाती हैं और पेंटिंग, बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी, तो शी हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्टर, तो शी इज़ माई क्रिएटिव इंस्पिरेशन, यू कैन से। आप घरानों की बात कर रही हैं शर्मिष्ठा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या घराने की परंपरा से ही बंधकर कला को देखती हैं, या आपको लगता है कि कला को अब किसी सीमा में बांध कर रखने की बजाय ज़रूरी है अगर उसका विस्तार, उसका प्रचार प्रसार है, तो वो उन सीमाओं से बाहर निकले और लोगों तक पहुँचे, चाहे उस पर्टिकुलर घराने से अलग भी उसे थोड़ा बहुत कुछ करना पड़े तो? बेशक बेशक, देखिए जैसे हमारा कथक का आज जो मूवमेंट्स हैं, यू नो, पहले के आप कथक मूवमेंट्स देखेंगे पुराने गुरुओं के, वो दूसरी तरह के मूवमेंट्स थे, उसमें बहुत ज़बरदस्त फोर्स थी या लखनऊ घराने में बहुत नज़ाकत थी, लेकिन ये जो लाइंस हैं कथक की, जो एक मूवमेंट की एक ब्यूटी, यू नो, ये महाराज जी ने, बिरजू महाराज जी ने उनका स्टाइल है, और उन्होंने भी, मैंने सुना है और कहीं पढ़ा भी है कि रशियन बैले जो हैं, यू नो, वो उनके जो लाइंस, उनके जो एंगल्स, उसको अडॉप्ट किए हैं। और अभी हम जयपुर हो या लखनऊ हो, डांस की मूवमेंट का जो सुंदरता है, हम उसी मतलब मूवमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो जयपुर घराना, लखनऊ घराना आज वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये तो दोनों घराने से अच्छे अच्छे चीज़ें लेनी चाहिए। एंड सेकेंडली, यू नो, देखिए, डांस इज़ अ मैटर ऑफ योर बॉडी। आप सेम मूवमेंट आप दो लड़कियों से कराए जिनके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर हो, तो कुछ दोनों अपनी तरह से करेगी, यू नो, इट कांट बी एग्जैक्टली द सेम, कोई मशीन प्रोडक्शन तो नहीं है ना। तो इसीलिए एक घराना का, एक स्टाइल का माध्यम में विद इन बाउंड्रीज रहते हुए भी एक पर्टिकुलर स्टाइल उखर के आते हैं। तो कथक तो आगे बढ़ेगी और घराना का जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना भी अच्छा है, क्योंकि खासियत रहते हैं, लेकिन आपस में इंटरमिंगलिंग पहले से भी हुआ है और अभी भी चल रहे हैं। कला तो कला ही है ना, और ये क्योंकि ये एक टेंपल का साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें तो स्पिरिचुअलिटी या भक्ति तो है ही, यू नो, बट इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। जैसे जयपुर घराने की चक्कर लेने की स्टाइल कुछ और हैं, उसमें कुछ अलग अलग बंदिशें हैं जो कि लखनऊ घराने में नहीं है, लखनऊ घराने की कुछ अलग मूवमेंट्स हैं जो जयपुर घराने में नहीं है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जो उसका जो स्पिरिचुअलिटी है वो दोनों घराने में हैं। और मैं जयपुर घराने से संबंध रखती हूँ क्योंकि मेरे गुरु जो भी हैं जयपुर घराने से हैं। मैं सबसे पहले सीखना शुरू किया पंडित, स्वर्गीय पंडित दुर्गालाल जी से, उनसे मैं सीखी 6-7 साल और उसके बाद उनकी देहांत हो गई, तो दैट वाज अ मेजर शॉक फॉर मी, एंड देन देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर मी बट टू गो फॉर अनदर गुरु। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन उमा जी के पास गई, उमा शर्मा जी के पास, खासकर उनसे अभिनय सीखने के लिए, क्योंकि उनकी वो अभिनय में शी इज़ अ माएस्ट्रो, और वो जो कला है अभी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, तो अभिनय सीखने के लिए कुछ दिन उनके पास गई, लेकिन फिर टेक्निकल का पार्ट जो है और बाकी, तो वो मुझे लगा कि वो थोड़ा निग्लेक्टेड हो रहे हैं। फिर जयपुर घराने में ही राजेंद्र गंगानी जी के पास गई, लेकिन अगर दुर्गालाल जी का देहांत ना होता और बहुत ही कम उम्र में, तो मैं उन्हीं से डेफिनेटली उन्हीं से कंटिन्यू करती। एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाह रहा था कि कोरियोग्राफी आप करती रही हैं, अपने डांस की कोरियोग्राफी भी आप करती हैं,
फ़र्क क्या होता है जब आप अपनी ही कोरियोग्राफी में डांस कर रही हो, तब क्या तब जो पूरी पूरी जो आपकी प्रस्तुति होती है वो, और किसी दूसरे की कोरियोग्राफी में आपका जो कार्यक्रम होता है वो, उन दोनों में फ़र्क क्या है? बिल्कुल, आप जो थिंकिंग डांसर का बात कर रहे हैं, कोरियोग्राफी में ज़्यादा उनका थिंकिंग जो है नज़र आते हैं, यू नो, क्योंकि डांस अगर हम ट्रेडिशनल दूसरे का कोरियोग्राफी में कर रहे हैं, जैसे मैं जब स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना दूसरों का गुरु का कोरियोग्राफी में कर रही हूँ, तो उसमें मेरा अपना सोच नहीं है, अपना टेक्निक है, अपना डांस है, अपना तैयारी है, लेकिन अपना सोच नहीं है। लेकिन आप जब अपना कॉम्पोजिशन खुद कोरियोग्राफ करते हो और उसमें आप खुद भी डांस करते हो या दूसरे आर्टिस्ट को लेके डांस कराते हो, तो उसमें आपकी अपने सोच नज़र आती हैं। आपने कंटेम्प्रेरी डांस पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी की, कैसा तजुर्बा रहा वो? देखिए, वो दोनों मैंने एक तो तालमेल एक TV6 एपिसोड टीवी सीरियल बनाई और एक फिल्म बनाई डॉक्यूमेंट्री बियॉन्ड ट्रेडिशन कंटेम्प्रेरी डांस के ऊपर, लेकिन वो दोनों ही डांस से जुड़े हुए हैं क्योंकि डांस इज़ माई मेन पैशन। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल चीज़ें भी समझ आए, और एक यू नो बिकॉज डांस इज़ समथिंग विच इन्वॉल्व स्पेस, हम एक फिज़िकल स्पेस में डांस करते हैं, वो यहाँ रिहर्सल के लिए भी हो या एक स्टेज के लिए भी हो, लेकिन व्हेन यू आर सीइंग इट थ्रू कैमरा उसका एक अलग ही यू नो देयर इज़ अ डिफरेंट डायमेंशन टू इट। तो दैट वाज इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और बाकी बहुत सारे डांसरों से काम करने के लिए मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, सो आई थिंक इट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। आपने जैसा कहा शर्मिष्ठा कि आपने एक समय पर आया जब आपको ये तय करना पड़ा कि आपको करियर के तौर पर भी कथक को चुनना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज भी लोग बच्चे सीख रहे हैं कथक 6 साल 10 साल 8 साल 9 साल के, कहीं ना कहीं वो एक सोच जो नज़र आती है उनके पेरेंट्स में, वो ये नज़र आती है कि उनको कुछ सीखना चाहिए इसलिए वो कथक सीख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कथक का अगर असल में विस्तार करना है, असल में उसको अगर और आगे तक ले जाना है, अपनी परंपरा को, अपने इस इतिहास को, अपने संस्कार को, तो उससे आगे निकलकर शुरुआत से ही उसको बहुत एक सिंसियरिटी के साथ, अपनी गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा? देखिए, मैं ये नहीं सोचती कि कुछ किसी भी बच्चे पर किसी तरह की एंड पर्टिकुलरली कोई भी कला की बात हो तो ज़बरदस्ती कला सिखाए नहीं जाते। मैं अपना एक्सपीरियंस देके बोल सकती हूँ, मैं बिल्कुल बचपन में वही 5-6 साल की थी तब मैंने एक्चुअली कथक करना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, मदर की बहुत इंटरेस्ट थी, लेकिन टाइम होता था कि स्कूल से वापस आओ और फिर जो प्ले टाइम होता था खेलने का टाइम, उस टाइम गुरुजी आते थे, पंडित दुर्गालाल जी नहीं, मैं दूसरे किसी से सीख रही थी तब, और तब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि डांस सीखने का, तो कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द। सो जब आफ्टर 2 मंथ्स मैं माता सेठ की बहुत हो गया, इसको नहीं करना, तो फिर म्यूज़िक सीखो, तो म्यूज़िक सीखना शुरू किया। सो थोड़ा इधर उधर थोड़ा भटकनी चाहिए, फिर उसके बाद कुछ साल बाद मैं खुद ही डिसाइड ली कि नहीं, मुझे कथक सीखना है और मुझे पंडित दुर्गालाल जी से ही सीखना है, क्योंकि मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो डिसीशन फिर खुद आई, और जब तक ये बात अंदर से ना आए तो सीरियसनेस ने भी नहीं आ सकता। कभी कभी होता है माँ बाप बच्चों पर इतने प्रेशर डालते हैं तो बच्चे पूरे ज़िंदगी के लिए कि वो उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से उनके मतलब दिल हट जाते हैं, सो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप नया क्या कर रही हैं, कोई नए कार्यक्रम आपके देश में, देश के बाहर, आपका जो सफ़र है अब उसकी अगली कड़ी क्या है, क्या नया लेकर आ रही हैं आप? मैं आई एम शिफ्टिंग माई पोजिशन फ्रॉम अ डांसर टू अ कोरियोग्राफर, एंड मेरा आप पिछले 3-4 प्रोडक्शंस देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर मतलब मेरा डांस एज अ डांसर मेरा रोल धीरे धीरे डिमिनिश होते आ रहे हैं, और मेरा लास्ट प्रोडक्शन जो है बनारस के ऊपर है उसमें तो बस खाली मैं एक ही कॉम्पोजिशन में मैं हूँ, यू नो, और बाकी सारे दूसरे से मैंने करवाई। सो आई थिंक एक स्टेज आते हैं वैसे कि वहाँ सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रुप में जितने भी डांसर्स हैं, मैं मजाक में बोलती हूँ दे आर हाफ माई साइज़ एंड हाफ माई एज, तो उनके स्टैमिना, उनका जो स्पीड, उनकी एनर्जी का साथ मैं मैच नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक एज अ डांसर। तो अगर मैं एज अ डांस अपने प्रोडक्शन में मैं अगर रहूँ तो मैं यू नो इन अ वे आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ माई ओन कोरियोग्राफी ऑफ माई ओन प्रोडक्शन, so that is I don't want to do it, and secondly it's also very important to give chance to the younger generation, you know, so this is my now it's my maybe in the next production I will not appear at all on stage,
सो लेट्स सी एंड बट ये जो प्रोसेस है ऑन द प्रोसेस दिस होल प्रोसेस आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस. पहले बहुत डांस किया एज अ सोलो डांसर बिकॉज कथक इज़ प्राइमरली अ सोलो फॉर्म, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है. एनीवे दैट्स अ डिफरेंट इशू. लेकिन दिस होल प्रोसेस फ्रॉम अ डांसर टू अ कोरियोग्राफर आई एम रियली एन्जॉइंग दिस प्रोसेस, क्योंकि इसमें अब मैं अपना दिमाग को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रही हूँ और अलग अलग थीम्स पे काम करना, उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना और उसको किस तरह से एक मतलब फाइनली एक सोच से एक प्रोडक्शन, एक घंटे की एक प्रोडक्शन. ये जो जर्नी है इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सोच होती है, बहुत काम करना पड़ता है. बट यू नो इट्स लाइक योर बेबी राइट फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ एन आइडिया. You know, you have created a production. So that's a very, very great feeling. शर्मिष्ठा, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे आने वाले जो आपके कार्यक्रम हैं, हालांकि आपने कहा कि अब आप डांस पर कम ध्यान दे रही हैं, कोरियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. तो ये थी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिनसे हमने बातचीत की उनके कथक के बारे में, कथक को लेकर उनकी सोच के बारे में और साथ ही साथ अब उनका अगला कदम क्या है, अब उनका अगला पड़ाव क्या है इसके बारे में. म्यूजिकल हेरिटेज में एक बार फिर हम आपको नए कलाकारों के पास ले चलेंगे. अगली मुलाकात जब हम आपसे करेंगे तो हमारे साथ एक और नए कलाकार होंगे. उनकी कला के बारे में बात करेंगे, उनकी परंपराओं के बारे में बात करेंगे, उनके संस्कार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि म्यूजिकल हेरिटेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कला, संस्कृति, खासतौर पर संगीत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देंगी, पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और बड़े इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे. धन्यवाद.